भाई और बहनों, हमारा पश्चिम बांग्ला में लोगों को नौकरी नहीं मिलते हैं, चाकरी बाकरी किसी को नहीं मिलते हैं, गरीब को तो कुछ नहीं मिलते हैं। हमारा असम में बीजेपी का सरकार आया, मोदी जी ने मुझको बोला कि पहला साल में ही तुमको 1,00,000 नौकरी देना है और 5 साल में तुमको 2,00,000 नौकरी देना है। पहले मैं सोचा था कि मैं सकूंगा कि नहीं सकूंगा, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद में मैं पहला साल में ही 1,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का मैंने काम किया। 1 पैसा मैंने नहीं लिया, सबको स्टेडियम में बुलाया और एक एक करके अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में उठा दिया, किसी से पैसा नहीं लिया, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में ममता दी खाली 23,000 शिक्षक को नौकरी देते हैं और करोड़ करोड़ रुपया का बंडल पार्थ चटर्जी का गर्लफ्रेंड का घर से बरामद होता है। आप लोग सोचिए, शिक्षा मंत्री है, देश को शिक्षा देना है, लेकिन उनका मकान में, उनका घर में नोटों का पहाड़ होते हैं। और आप लोग देखिए उनका उम्र क्या है, उस उम्र में वो गर्लफ्रेंड लेके घूमता है। आप लोग सोचिए, जो उम्र में लोग भगवान के पास जाना समय होता है, वो समय पार्थ चटर्जी गर्लफ्रेंड लेते हैं, पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं, पता नहीं कौन सा टेबलेट खाते हैं। और जब पुलिस लेके जाते हैं तो ऐसे वो ऐसे सिंबल दिखाता है पुलिस को कि लाफ का सिंबल दिखाता है। उनका जो उम्र है वो समय पूरी जगन्नाथ में जाने का समय है, मथुरा वृंदावन का जगह में जाने का समय है, वो गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। आप लोग सोचिए, जरूर टीएमसी का ऑफिस में जरूर कुछ टेबलेट होगा जिससे लोगों का उम्र कम हो जाते हैं और गर्लफ्रेंड ले सकता है 70 साल का उम्र में भी। भाई और बहनों, आज तृणमूल क्या कर रहा है, हमारा पूरा देश को, हमारा पूरा पश्चिम बांग्ला को शेख शाहजहां जैसा व्यक्तियों का हाथ में हवाला कर रहा है। आप लोगों को मैं एक छोटा कहानी बताऊंगा। आज हमारे, जब मैंने पहले मुख्यमंत्री बना, मेरा पास एक ऑफिसर ने एक फाइल लेके आया। फाइल में क्या था, मैंने ऑफिसर को पूछा यह क्या फाइल है, बोले साहब ये मद्रासा स्कूल में तंखा देना है इसलिए आपका दस्तखत चाहिए। मैंने ये ऑफिसर को पूछा मद्रासा का मतलब क्या होते हैं, बोले सर स्कूल होते हैं। मैंने ऑफिसर को पूछा क्या मद्रासा से डॉक्टर बनते हैं, बोले नहीं बनते हैं। इंजीनियर बनते हैं, बोले नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं, बोले मुल्ला बनते हैं। आप लोग देखिए, मैंने ऑफिसर को बोला क्या मुल्ला बनाने का काम क्या सरकार का है, आप आज ही ये मुल्ला बनाने वाला दुकान बंद कर दो, सारे मद्रासा आज ही बंद कर दो। हमने सारा मद्रासा बंद कर दिया, हमने मद्रासा को स्कूल बनाया और स्कूल से आज डॉक्टर बन रहा है, आज इंजीनियर बन रहा है। हमने मुल्ला बनाने वाला दुकान हमने बंद कर दिया असम में कि ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन ममता दीदी वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसलिए ममता दीदी को आपका वोट नहीं चाहिए, ममता दीदी को खाली शाहजहां का वोट चाहिए। ममता दीदी आपको लक्ष्मी भंडार देते हैं, लेकिन संदेश खाली में ही आपका सम्मान हानि करने के लिए
शाहजहां को लाइसेंस देते हैं। माताओं और बहनों, हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए, हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए। आज आप लोग देखिए, हमारा असम में 40% मुसलमान है, 40%। मैं मुसलमान जातगा में जाता हूं, मैं माँ को पूछता हूं कि माँ आप कैसे हैं, अपना भालो। माँ बोलते हैं फालतू सिलाम। लेकिन एक सप्ताह आगे मेरा हस्बैंड ने और एक शादी कर लिया, अभी मैं दुखी दुख हूं। दूसरा का पास जाता हूं, नहीं नहीं मेरा हस्बैंड ने 2 शादी कर चुका है। तीसरा का पास जाता हूं, मेरा हस्बैंड 3 शादी कर चुका है। चौथा का पास जाता हूं, मेरा हस्बैंड 4 शादी कर चुका है। आप लोग बोलिए, एक पति को क्या 4 शादी करना चाहिए? चाहिए? एक पति को दोबारा शादी करना चाहिए? लेकिन आप लोग देखिए, आज हमारा एक कौम का लोगों को एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादी करने का अनुमति दिया जाते हैं। इस बार आप लोग हमें 400 सीट दीजिए, हमें 4 शादी करना, दुकान भी हमें बंद करना है, हम इस दुकान को भी हमें बंद कर दूंगा। भाई और बहनों, हमारा देश में आज जो कुछ भी हो रहा है, ये देश को ठीक करने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। हमारा देश में मद्रासा शिक्षा का जगह में एक्चुअल शिक्षा व्यवस्था लाना है। हमारा देश में गरीबों के लिए काम करना है। आज प्रधानमंत्री जी ने गरीब के लिए चावल भेजते हैं, हर महीना हम फ्री 5 kg चावल मिलता हो। असली घर में लक्ष्मी कौन भेजते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी भेजते हैं, हर महीना 5 kg चावल देते हैं। हमको रहने के लिए हमारे लिए घर देते हैं, लेकिन तृणमूल का दलालों ने वो घर का पैसा भी खा जाता है, गरीब को घर भी नहीं देते हैं। भाई और बहनों, माताओं को चावल बनाने के लिए मोदी जी गैस देते हैं, मोदी जी घर में जल देते हैं, मोदी जी हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देते हैं, मोदी जी गरीबों को चिकित्सा के लिए हर साल 5 lakh रुपया आयुष्मान भारत कार्ड देते हैं। लेकिन हमारा पश्चिम बंगला में हमारे ममता दीदी ने ये सब सारे स्कीम आप लोगों का पास आने नहीं देते हैं। एक बार हमारा पश्चिम बंगला में डबल इंजन सरकार हो जाते हैं ना, हर गरीब को मकान भी मिलेगा, हर गरीबों को जल से पानी भी मिलेगा, हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड भी मिलेगा। आज आप लोग जानते हैं, मैं दोबारा असम का बात बोलता हूं, हमारा असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन असम में जब लड़की हायर सेकेंडरी पास करते हैं, उनको हम कॉलेज जाने के लिए सरकार से स्कूटी देता हूं। लड़की को यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए एडमिशन फ्री होता है, किताब फ्री होते हैं, हॉस्टल मेस ड्यूज फ्री होते हैं, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमें 25,000 रुपया लड़की को हाथ खर्चा भी हम लोग देता हूं। लेकिन आज पश्चिम बंगला में इतना रुपया होने का बावजूद हमारा गरीब लोगों को कुछ स्कीम नहीं मिलते हैं। मथुरापुर में इतना बढ़िया मीठा पट्टा होते हैं, लेकिन मीठा पट्टा को रखने के लिए आपका पास कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था भी नहीं है, आप लोगों को दाम भी नहीं मिलते हैं।
इसीलिए हमें अशोक पुरकाई जी को जिताना है और मथुरापुर का गरीब को आवास देना, मथुरापुर का गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड देना, मथुरापुर में विकास का काम करना, ये हमारा कर्तव्य होगा और ये सारे काम हम लोग करके दिखाऊंगा। भाई और बहनों, एक बार अशोक जी को आप लोग वोट दीजिए, तब हम गंगा सागर में भी नया ब्रिज बनाने का हम लोग काम करेगा, ये भी मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूँ। आज आप लोग देखिए, हमारे मंदिर घाट से पंडर घाट तक हमको ब्रिज होना चाहिए, लेकिन हमारा ब्रिज नहीं है। अशोक जी को वोट दीजिए, हम लोग वो भी ब्रिज बना के आप लोगों को देने का हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, अशोक को एक बार वोट दीजिए, मथुरापुर में मोदी जी का एमपी बनाइए, गरीब का लक्ष्मी भंडार भी 3000 रुपया होगा, गरीब को रेशन भी मिलेगा बिना कटनी छटनी के, गरीब को पीएम आवास का मकान मिलेगा, किसी को घोष देना नहीं है। मथुरापुर का गरीब को पीएम आवास, पीएम आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा, 5 लाख रुपया तक हम चिकित्सा कर पाएगा और मथुरापुर का गरीब को हम लोग जल से पानी देने, नल से जल देने का भी हम लोग काम करेगा। भाई और बहनों, एक बार हमारा पश्चिम बंगला में बीजेपी का सरकार बन जाते हैं ना, हम शेख शाहजहां जैसा लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा कि संदेश खाली का नाम भी वो लोग लेने का भविष्य में हिम्मत नहीं करेगा, ये भी हमारा आप लोगों से वादा है। भाई और बहनों, लास्ट टाइम आप लोगों ने हमको बहुत वोट दिया, 2 लाख वोट कम रह गया, लेकिन 7,500 से 5.5 लाख वोट, मतलब आप लोगों ने हम लोगों को लास्ट चुनाव में 5 लाख वोट ज्यादा दिया। लास्ट टाइम आप लोगों ने 5 लाख वोट ज्यादा दिया, इस बार खाली 1.5 लाख वोट ज्यादा दीजिए, अशोक जीत के दिल्ली पहुंच जाएगा। खाली 1.5 लाख वोट ज्यादा चाहिए, देगा कि नहीं देगा? 1.5 लाख वोट देना है कि नहीं देना है? संदेश खाली का बदला लेना है कि नहीं लेना है? हमारे लक्ष्मी भंडार 3000 रुपया करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो आप लोग सब मिलके अशोक पुरकाइट को जिताइए और रामलाला का आशीर्वाद से हम पश्चिम बंगला में भी हम समाज का जो अशुभ शक्ति है सारे लोगों को हम हटा के पश्चिम बंगला में भी हम सनातनी संस्कार से देश को आगे लेके जाएगा, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझको मौका दिया, अपनारा सबाई हमके दो शब्द बोलार जन्य सुविधा दिलो और जन्य आमी सबाई के धन्यवाद दिए, आमार कथा ए जगह शेष करेसी, बहुत बहुत धन्यवाद।